उष्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप ये भी देखे होंगे कि रेलगाड़ी के पटरियों के बीच में खाली जगह छोड़ा हुआ होता है, ठीक है? नहीं तो अगर ऐसा नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा कि रेल की पटरी टेढ़ी हो जाएगी। तो उष्मा की जानकारी होना एक सामान्य व्यक्ति को और इंजीनियर्स को, सभी को बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको कॉमन इंसान के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, इसका एक एग्जाम्पल दूं, तो मान लीजिए ठंडी का मौसम है और आप गर्म पानी आपने किया हुआ है नहाने के लिए, ठीक है? तो आपने गर्म पानी करके रखा है और आप चाहते हैं कि वो ज्यादा देर तक गर्म रहे, तो क्या कीजिएगा? मान लीजिए कि एक बाल्टी नॉर्मल पानी है और आपने गर्म किया हुआ है थोड़ा सा पानी, जिसको आप नॉर्मल पानी में मिक्स कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको थोड़ी देर बाद नहाना है, लाइक आपको 10 मिनट का कोई काम है, ठीक है? तो आप क्या करना पसंद कीजिएगा? जो पानी आपने गर्म किया है उसको ऐसे गर्म छोड़ देंगे या फिर उसको नॉर्मल पानी में मिक्स कर देंगे? बताइए कौन ज्यादा प्रभावकारी? तो अगर आप गर्म पानी को ऐसे छोड़ देते हैं तो ज्यादा गर्म रहेगा, नॉर्मल में मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, गुनगुना हो जाएगा। तो जब आप गुनगुना हो जाएगा, नॉर्मल पानी में मिक्स कर देंगे, वो ज्यादा देर तक गर्म रहेगा। कैसे, ये मैं आपको पढ़ाने के बाद बताऊंगा, ठीक है? तो चलिए उष्मा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। उष्मा होती क्या है? आप उष्मा का पता करते हैं चीजों को छू के। जो चीज गर्म लग रही है उसमें ज्यादा उष्मा है, जो चीज ठंडी लग रही है उसमें ज्यादा उष्मा है, ठीक है? और उष्मा क्या है? उस ऊर्जा का एक रूप है, क्योंकि जहां पर भी उष्मा उत्पन्न होती है आप कहीं ना कहीं से उसके लिए ऊर्जा उसको सप्लाई करते हैं। घर में उष्मा कैसे उत्पन्न होती है? चूल्हे से। तो अगर उष्मा एक ऊर्जा का रूप है तो चूल्हा जलाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? कोई ना कोई ईंधन तो इस्तेमाल करते ही होंगे, गैस, कोयला, केरोसिन, ठीक है? तो ये सब में कौन सी ऊर्जा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? गैस, कोयला, सब में क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। घर में अगर आप हीटर यूज कर रहे हैं तो हीटर में कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा उष्मा में बदल रही है। उष्मीय ऊर्जा बाकी ऊर्जा से अलग कैसे है? तो उष्मीय ऊर्जा जो है चीजों को गर्म ठंडा बनाती है। अगर आप चाय छोड़ के गए, चाय में जो उष्मा थी वो बाहर निकल गई तो चाय ठंडी हो गई। आप आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम ठंडी है तो वो बाहर से उष्मा एब्जॉर्ब कर लेती है, गर्म हो जाती है, ठीक है? तो उष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो चीजों को गर्म ठंडा बनाती है, गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु में ट्रांसफर होती है। डेफिनेशन ले लें क्या? होती है। ये उष्मा का बहुत बड़ा गुण है, ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु में ट्रांसफर होती है। यही कारण है कि आपका चाय जो है आप छोड़ के जाते हैं वापस, तो ऐसा नहीं कि वापस आए ठंडा चाय छोड़ के गए और गर्म मिल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका कप चाय का ज्यादा गर्म है और हवा बाहर का जो एटमोस्फियर है वो उतना गर्म नहीं है। तो जो उष्मा का ट्रांसफर होगा किधर से किधर होगा? आपके चाय के कप से बाहर। ये आपका चाय का कप है, एकदम असली लग रहा होगा। इससे उष्मा बाहर जा रही है, क्योंकि बाहर जो है आप जिस हवा में सांस ले रहे हो चाय जितनी तो गर्म नहीं है, नहीं तो फिर सारा कोरोना वायरस मर ही जाएगा, ठीक है? तो इसलिए चाय क्या है, उष्मा का इसमें नुकसान हो रहा है, उष्मा इससे बाहर निकल के ठंडा हो रहा है। जबकि जब आप आइसक्रीम खा रहे हैं, एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, तो आइसक्रीम क्या है? आइसक्रीम ठंडी है। मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर कुछ 35 डिग्री सेल्सियस, तो आइसक्रीम कुछ 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये क्या है? ठंडी है, बाहर का जो माहौल है गर्म।
तो ऊष्मा का ट्रांसफर किधर से किधर होगा? अधिक तापमान से कम तापमान, यानी बाहर से ऊष्मा जाएगी किसमें? आइसक्रीम में। और यहां क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। चाहे कुछ गर्म है, मान लीजिए कि 90 डिग्री सेल्सियस, बाहर का तापमान तो 90 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, तो बाहर कुछ मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस ही है, तो ये गर्म है ये ठंडा है, ऊष्मा इससे बाहर निकल रही है और आइसक्रीम के केस में क्या हो रहा है? आइसक्रीम में जा रही है। तो आइसक्रीम आपका क्या हुआ? धीरे धीरे गर्म होते जाएगा और पिघल जाएगा। ठीक है, तापमान क्या होता है? टेम्परेचर। क्या ऊष्मा और तापमान एक ही चीज है? ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऊष्मा चूंकि ऊर्जा का एक रूप है, इसलिए ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। और इतना ही नहीं, आप खाने पीने में भी ऊर्जा की बात करते हैं। ज्यादा कैलोरी लेंगे मोटे हो जाएंगे, ठीक है, पतला होना है तो आपको अपने खाने में से कैलोरी कट आउट करना होगा। अगर पतला होना है जम के खाइए, लेकिन वैसे खाने को खाइए जिसमें कैलोरी कम हो। कैलोरी क्या है? कैलोरी ऊर्जा का एक मात्रक है, ऊर्जा का एक मात्रक है, ऊष्मा भी एक ऊर्जा है, तो ऊष्मा को भी आप कैलोरी में मापते हैं। एक कैलोरी में होता है लगभग 4.18 जूल। समझ गए आप? तो कैलोरी ऊष्मा का एक जूल से बड़ा मात्रक है, बहुत पॉपुलर मात्रक है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। तापमान क्या होता है? तापमान वही होता है जो आप अनुभव करते हैं। आपको कोई चीज छूने में ज्यादा गर्म लग रही है तो उसका तापमान ज्यादा है, छूने में ठंडी लग रही है तो उसका तापमान कम। ठीक है, जो चीज जितना ज्यादा गर्म लगती है उसका तापमान उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर आपको तापमान को परिभाषित करने कहा जाए तो तापमान को परिभाषित करेंगे कि तापमान वह भौतिक राशि है जो बताती है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। तापमान इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वह भौतिक राशि, भौतिक राशि को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो टेम्परेचर वह फिजिकल क्वांटिटी है जो यह बताती है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो हम भी बता देंगे, वो भी छू के। ठीक है, तो आपने कभी अनुभव किया होगा एक ही इंसान को एक घर में, कभी एक आदमी छू करके बोलता है इसको बुखार है, दूसरा आदमी बोलता है नहीं ठीक तो है कि नहीं। मान लीजिए ठंडा का मौसम है, अगर कोई इंसान बाहर से आया है तो उसका खुद का शरीर ठंडा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाहर गया, बाहर से आया, मेरा शरीर ठंडा है, तो सामने कोई है बच्चा जिसको टेस्ट चेक करना है कि बुखार है या नहीं, तो घर में किसी ने छुआ तो बोला कि नहीं ठीक है, मैंने छुआ तो बोला भाई गर्म है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा फिर? थर्मोमीटर से मेजर करें। होता क्या है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपको आसपास की घटनाओं को समझने में ये मदद करेगा। जब आप किसी चीज को छूते हैं तो आपका बॉडी का भी कुछ टेम्परेचर है। जिस चीज को आप छू रहे हैं उसका टेम्परेचर अगर आपकी बॉडी से कम है तो वो आपको ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ठंडी वस्तु को छू रहे हैं तो ऊष्मा का ट्रांसफर होता है गर्म से ठंडी वस्तु में। आपकी बॉडी गर्म है, वस्तु ठंडी है, तो आपका बॉडी से ऊष्मा निकल के वस्तु में जा रही है, और जब आपकी बॉडी से ऊष्मा निकलती है ना तो आपको ठंडक का अनुभव होता है। जब आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो क्या होता है? चाय का कप, जब आप उसको छूते हैं तो चाय के कप का टेम्परेचर होगा कुछ 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस। आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 के अराउंड होता है। तो आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 है, चाय का कप आप छू रहे हैं तो वो गर्म है, ऊष्मा किधर से किधर जाएगी? चाय के कप से निकल के आपके बॉडी में जाएगी। तो जब आपकी बॉडी को ऊष्मा मिलती है तो वो वस्तु आपको गर्म लगती है। तो मान लीजिए अभी आप दौड़ के आए या कहीं ऐसे जगह से हैं जहां आपका बॉडी बहुत
गर्म हो गई, तब क्या होता है, मान लीजिए चाय का एक कप है जो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, 60 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और आपका हाथ का टेम्परेचर अभी टेम्पररीली 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, आप छुएगा तो चाय का कप आपको गर्म नहीं लगेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी चीज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, आप उसको छुइएगा उस हाथ से तो वो आपको ठंडी लगेगी, 50 डिग्री सेल्सियस आपको ठंडा लगेगा। तो ये चीजें रिलेटिव होती है, डिपेंड करता है कि आपके बॉडी से उष्मा निकल रही है या आपके बॉडी में उष्मा आ रही है। बॉडी से उष्मा निकलेगी तो आपको ठंडक लगेगी, और अगर बॉडी में उष्मा आती है तो आपको गर्म लगेगा। तो ये चीज कभी कभार कंफ्यूजिंग हो जाती है, एक ही इंसान को कोई बोल रहा है बुखार है, कोई बुखार बोल रहा है कि बुखार नहीं। तो इसका उपाय है कि हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर आप लोग सभी ने देखा होगा, किस चीज का प्रयोग उसमें होता है, पारा का उपयोग होता है। पारा का उपयोग क्यों होता है, क्योंकि पारा सेंसिटिव होता है उष्मा के प्रति, उसका उष्मीय प्रसार जो है ज्यादा है। उष्मीय प्रसार के बारे में भी आपको बताऊंगा। उष्मीय प्रसार क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो उष्मा पाकर ज्यादा नहीं फैलेंगे, पारा अच्छा खासा फैलता है, इसके लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि उष्मा शीशे में चिपकती नहीं, सॉरी पारा जो है वो शीशे में चिपकता नहीं। दूसरी चीज भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल थर्मामीटर भी होता है। सबसे ज्यादा यूज पॉपुलर क्या है, ये पारा, ठीक है। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, फॉरेनहाइट ने, ठीक है, और तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। तो आपको कभी कभार बदलना भी पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट, बुखार हम लोग मापते हैं तो कितना हो जाता है, 102, 101, 103। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी खोलता है, तो इसका मतलब आप बुखार में है तो आपके बॉडी से आप चाय बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप बुखार मापते हैं फॉरेनहाइट। तो फिर सोच के देखिए कि जब आपका बुखार है आपको, तो सेल्सियस में वो टेम्परेचर कितना होगा, या फिर दूसरे रीजन से भी बदलने का जरूरत पड़ सकता है। बदलेंगे कैसे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है C/5 = F - 32/9। इसमें क्या है कि एक ही तापक्रम, फॉर एग्जाम्पल आपका बॉडी का ही टेम्परेचर फॉरेनहाइट में भी मापिएगा तो लगभग 98 के अराउंड आता है, और सेल्सियस में 37 है। दोनों एक ही टेम्परेचर है, फॉरेनहाइट में अलग वैल्यू और सेल्सियस में अलग वैल्यू। एफ क्या है, उसका फॉरेनहाइट वैल्यू है, सी है उसका सेल्सियस वैल्यू। और सिर्फ ऐसा ही ये नहीं, आपको चेंज करने के लिए क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन हो गया कि 37 डिग्री सेल्सियस का मान डिग्री फॉरेनहाइट में होगा, अब इसके लिए करेंगे क्या कि एफ जो है वहां निकालना है हम लोग को, और ये क्या है, ये सेल्सियस में दिया हुआ है, सी में इसको पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए 37/5 = F - 32/9। कितना हो जाएगा, F = 37 × 9/5 और प्लस 32। कैलकुलेट कीजिए, 60 × 14 = 74 × 9/10 प्लस 32 इतना हो गया, ये 98.6। अगर यहाँ पे आपको कुछ सरप्राइजिंग लगा होगा तो देखिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या हो गया, नीचे 10 आ गया, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 10 के लिए एक डेसिमल यहाँ बैठा दिया तो 66.6 हो गया, ऐड कर दिए 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट में गया। तो जो आपका टेम्परेचर है बॉडी का
वो फॉरेन हाइट में कितना हो जाता है 98.6 डिग्री फॉरेन और सेल्सियस में 37। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 37 ही होता है। आप कभी थर्मामीटर लें और हम आपके देखें 37.5 आ गया तो आप प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। इसमें से एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फॉरेनहाइट में सेम होता है? निम्न में से कौन सा तापमान सेल्सियस स्केल और फॉरेनहाइट स्केल में समान होता है? ए 40 डिग्री सेल्सियस, बी -40 डिग्री फॉरेनहाइट, सी -40 डिग्री सेल्सियस और डी बी एवं सी। तो खुद से अटेम्प्ट कर लें, ठीक है, क्या होगा? ओके, अब मैं आपको बताता हूं, आप सॉल्व खुद से ही करेंगे, मैं आपको बाद में आंसर बता दूंगा। देखिए, ये जो टेम्परेचर है, सी वैल्यू उसका और एफ वैल्यू सेम होगा, वो वाला फॉर्मूला में बैठाइए, C by 5 is equal to F minus 32 by 9। C और F का वैल्यू सेम होगा। लेट्स से जो वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे हैं वो X है। X का क्वालिटी क्या है कि सेल्सियस स्केल में भी X होगा और फॉरेनहाइट स्केल में भी X ही होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वो टेम्परेचर मिल जाएगा जो सेल्सियस में भी उतना ही होगा और फॉरेनहाइट में भी उतना ही होगा। आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -40, लेकिन सेल्सियस में कि फॉरेनहाइट में, तो द आंसर इज दोनों में, क्योंकि क्वेश्चन ही वही था कि कौन सा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फॉरेनहाइट में सेम होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फॉरेनहाइट। तो यहां तो बहुत आसान है, लेकिन ऑप्शन जो है वो चकरा देने वाला। यहां पर देखिए, वो कौन सा टेम्परेचर है, तो -40 डिग्री फॉरेनहाइट भी, -40 डिग्री सेल्सियस भी, क्योंकि दोनों में सेम होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाए, ठीक है, बी भी और सी, ठीक है। तो बहुत बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर बहुत आसान होगा लेकिन ऑप्शन में घुमा देगा। फिर पूछता है कि तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है। आई थिंक 80% स्टूडेंट्स, खासकर क्लास 9-10 वाले, इसका गलत जवाब देते हैं। तापमान का ऐसा ही मात्रक, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा डिग्री सेल्सियस सुनते हैं इसलिए सबको डिग्री सेल्सियस ही लगता है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आंसर जो है वो केल्विन है। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, इसको परम तापक्रम भी कहते हैं। चेंज कैसे करते हैं, तो केल्विन तापक्रम इज इक्वल टू होता है सेल्सियस तापक्रम प्लस 273, लगभग में 273 होता है, एक्चुअली 273.15 होता है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसको अगर आप केल्विन में बदलना चाहें तो उसमें 273 ऐड कर दीजिए, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन, 273.15 केल्विन। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहे तो कैसे बदलेंगे, के इज इक्वल टू, देखिए यही फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू सी प्लस 273.15। तो अभी मैंने तापक्रम कौन सा बोला था, 100 डिग्री सेल्सियस, तो सी के जगह पे 100 रखिए, कितना जाएगा, तो 373.15। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जल कितने तापक्रम पर खौलता है,
एसआई मात्रक में बताएं, तो आपका आंसर क्या होगा 373.15 केल्विन। या फिर जल किस परम तापक्रम पर खौलता है, तो 373.15 केल्विन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसका आंसर मैं अगले क्लास में बताऊंगा। पहला, अधिकतम संभव तापक्रम क्या है, तापक्रम मतलब टेम्परेचर। ना इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में अगर आप सबसे गर्म वस्तु की बात करें, सबसे गर्म, तो ऑब्वियसली सूरज या कोई तारा बहुत गर्म होगा, सबसे गर्म पदार्थ होगा, उसका तापमान कितना हो सकता है, या फिर थ्योरेटिकली कोई वस्तु कितनी ज्यादा गर्म हो सकती। छह हजार डिग्री सेल्सियस, बी 50,000 डिग्री सेल्सियस, सी 10^8 केल्विन, डी अनंत। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव तापक्रम क्या है। पहला क्या है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, दूसरा है व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर कितना हो सकता है, मतलब कम से कम कितने टेम्परेचर पे आप किसी चीज को ला सकते हैं, कितनी ठंडी आइसक्रीम आप बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ए -600 डिग्री सेल्सियस, बी -50,000 डिग्री सेल्सियस, सी 0 केल्विन, डी -∞ डिग्री सेल्सियस। ये दो क्वेश्चन हुए। एक और क्वेश्चन, रांची का तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियस है तथा जयपुर का तापक्रम 42 डिग्री सेल्सियस है, इनके तापक्रम का अंतर केल्विन में क्या होगा। तो आंसर इज, केल्विन, बी 7 केल्विन, डी 264 केल्विन, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो रांची का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, जयपुर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, इनका टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। ये तीनों क्वेश्चंस आप बना के लाएंगे, मैं इनका आंसर आपको कल बताऊंगा।